हेलो फ्रेंड्स, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को यहां से सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकॉन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। इससे मेरे आगे आने वाली वीडियो आपको इजीली मिल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकमिंग कृतिका व्लॉग। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिंधी कढ़ाई की दूसरी डिज़ाइन बताऊँगी कैसे बनाना है। तो इसके लिए हमें एक प्लेन कपड़ा लेना है, किसी भी कलर का, ये एंकर का धागा, और साथ में आपको अगर आपको पसंद हो कोई भी मोती सीप आप ले सकते हैं यूज़ करने के लिए। इसमें कुछ भी आप ले लीजिएगा जो आपको पसंद हो। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ाइन को हम अपने सूट पे, साड़ी, ब्लाउज़, पिलो कवर, टेबल कवर, हैंडबैग, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इस डिज़ाइन को बहुत ही सिंपल और अट्रैक्टिव है। तो स्टार्ट करते हैं। ये डिज़ाइन मैंने बना लिया है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, उसी तरह से हमें इस डिज़ाइन को भी बनाना है। तो हमें किसी भी कॉर्नर से स्टार्ट कर लेना है। और सीधे ही हम इसको ले जाएंगे दाहिने से बाएं साइड, फिर ये सीधे इस तरह से इधर भी वैसे ही ले जाएंगे दाहिने से बाएं साइड। सेम वैसे इधर भी देख रहे हैं, ये कॉर्नर का राइट साइड का धागा नीचे की ओर दबा हुआ है, वैसे ही हर कॉर्नर पे ऐसे होना चाहिए। अब मेरा ये धागा ऊपर है तो ये हम नीचे से ले जाएंगे, ठीक वैसे ही सीधे यहाँ पे दाहिने से बाएं साइड, और फिर वैसे यहाँ पे सीधे दाहिने से बाएं साइड, इसके सीधे यहाँ पे, फिर राइट से लेफ्ट साइड स्टार्ट करेंगे। वैसे ही यहाँ पे हमें सभी कॉर्नर पे बना लेना है। बस धागों का ही ध्यान देना है हमें कि कोई भी धागा बिल्कुल फ्री ना हो, जैसे और हर कॉर्नर पे राइट साइड का धागा दबा होना चाहिए। वैसे यहाँ स्टार्ट कर लेंगे। इस तरह से ये ऊपर धागा मेरा, अब ये धागा हमें नीचे ले जाना है। यहाँ पे ठीक यहाँ ऊपर धागा है, अब हमें नीचे ले जाना है। यहाँ मेरा धागा ऊपर है, यहाँ धागा नीचे है, और अब फिर मुझे इस धागे के ऊपर ले जाना है। फिर यहाँ पे वही दाहिने से बाएं ले लेंगे हम। ये धागा हमारा ऊपर है और इसके नीचे हमें ले लेना है।
यहाँ पे दाहिने से बाएं साइड। इस टाइम ही हमें ध्यान देना है क्योंकि खाके में अगर गलती हो जाएगी तो फिर फिल करने में बहुत ही दिक्कत आती है, डिज़ाइन क्लियर नहीं होती है, इसलिए हमें खाके को बनाते समय ध्यान देना है। ठीक, वैसे इधर सीधे में ऊपर धागा हमारा ये है, नीचे जाएगा इसके, फिर ऐसे ऊपर धागा हमारा है, फिर नीचे जाएगा ये, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रेट लेते आना है। इसके सीध में यहाँ पे ये धागा ऊपर है, अब यहाँ ये धागा नीचे रहेगा और इस धागे के ऊपर रहेगा, तो इसको ले लूँगी मैं नीचे से पहले और ये धागा मेरा ऊपर रहेगा। ठीक, वैसे दाएं से बाएं साइड देख रहे हैं सारे धागे ऊपर नीचे अल्टरनेट हैं, धागा ऊपर है मेरा और नीचे से हमको लेना है ऐसे। यहाँ पे दाहिने से बाएं वैसे ही, फिर सीधे में ऐसे धागा हमारा ऊपर है, नीचे लेना है, ये हो गया, फिर हमारा धागा ऊपर है, नीचे हमें लेना है इसके, दाहिने से बाएं, फिर सेम वैसे इधर भी, हर कॉर्नर पे हमें थोड़ा अधिक अधिक कपड़ा ऐसा लेना है क्योंकि इसमें ही हम धागे घुसाते हैं, बाद में हमें दिक्कत आने लगती है, ये बहुत सकरा होता है तो ऐसे हमें धागा लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। धागा ऊपर है, अब हमें ध्यान देना है यहाँ पे धागा हमारा ये ऊपर है, एक धागे के नीचे जाएगा और एक धागे के ऊपर जाएगा इस तरह से, दाहिने से बाएं, यहाँ धागा हमारा ऊपर है, फिर वैसे ही धागे के नीचे और एक धागे के ऊपर, दाहिने से बाएं फिर ले लेना है हमें, धागा यहाँ ऊपर है फिर नीचे, धागों का ही ध्यान देना है हमें बस, फिर दाहिने से बाएं साइड, देख रहे हैं हमारा ये खाका बिल्कुल रेडी है, वैसे ही नीचे फिर ऊपर, दाहिने से बाएं, यहाँ धागा हमारा ऊपर है, इस धागे के नीचे जाएगा मेरा ये धागा, तभी हमारा यहाँ ये भी कॉर्नर इस धागे की तरह दबा हुआ आना चाहिए। हर कॉर्नर पे हमारा राइट साइड का धागा देख रहे हैं दबा हुआ है, वैसे ही यहाँ भी होना चाहिए, नीचे कर लेंगे इसे हमें। अब हमें इसे फिल करना है,
फिल करते वक्त हमें ध्यान देना है कि जितना लंबा धागा हम ले सकेंगे उतना हमारे लिए ईजी होगा पूरा फिल करते वक्त, कि धागा बीच में कम हो जाएगा तो वो नीचे ले आने में दिक्कत होती है, नीचे गांठ नहीं लग पाती है धागे में। इसे फिल करना है हमें, ये कॉर्नर से मैं स्टार्ट कर लेते हैं। इसके नीचे यहाँ कॉर्नर से मैं ले लेना है। ये धागा फ्री हैंड रहेगा, ढीला ढीला रहेगा, टाइट नहीं जाएगा। इसके नीचे लेना है हमें। इसके बाद इसके ऊपर जाएगा और इसके नीचे जाएगा। सेम वैसे ही इसके अंदर ले जाएंगे हम। फिर वही कॉर्नर से धागा ले लेना है हमें, राइट साइड वाला धागा। इस तरह से ये ढीला ही रहेगा। फिर ये नीचे वाला लेना है हमें, नीचे फिर वही राइट साइड का धागा हमें लेना है यहाँ से ऐसे। नीचे धागा इसके और इस धागे के ऊपर, ये ऊपर धागा है और यहाँ भी ये ऊपर रहेगा क्योंकि अभी एक धागा बीच में इसके ऐसे आएगा इसके ऊपर, और ये कॉर्नर वाला नीचे से ले लेना है हमें। इस तरह से अब ये धागा फिर नीचे रहेगा। ये कॉर्नर पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया। इसे हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो इसमें हमें एक मोती डाल लेनी है। मैं एक ये मोती इसमें ऐड करूँगी और इस धागे को ले लेना है। फिर इसे बीच वाले को धागे को लेना है हमें, इस तरह से लेना है। इस तरह से हमें लास्ट वाले कॉर्नर को पूरा करते वक्त एक मोती डाल लेनी है। ठीक वैसे ही हम नीचे ले लेंगे। धागा इसके ऊपर, फिर हमें यहाँ पे इसमें लेना है और कोने वाले धागे को ले लेना है। फिर इसके नीचे अब ये धागा हमारा ऊपर रहेगा और हमें इसमें नीचे से लेना है। देख रहे हैं यहाँ पे कोई कॉर्नर फिल करने के लिए नहीं है, तो फिर हम इस धागे को क्रॉस करके फिर इसमें जाएंगे। हमें दाहिने साइड से फिल करते हुए जाना है। यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ, फिर यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ, फिर हमें ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे होते हुए फिर सारे ब्लॉक में हमें ऐसे से जाना है। धागा हमारा ढीला ही रहेगा, कॉर्नर से ले लेंगे धागा।
के नीचे लेना है। फिर हमें यहाँ पे कोई कॉर्नर नहीं है, इसमें हम दाहिने साइड से धागा ले लेंगे और फिर हमारा ये धागा ऊपर, फिर हमारा ये धागा नीचे जाएगा कि हमें इस कॉर्नर को बनाना है। ये कॉर्नर, यहाँ पे कोई कॉर्नर नहीं मिला हमें, इसीलिए हमें इस कॉर्नर को लेना है। अब इस तरह से फिर ये नीचे और ये कोने वाला धागा ऊपर से। धागा नीचे से ले लेना है और ये कोने वाला धागा इस तरह से। फिर यहाँ से नीचे से मिल लेना है। अब हमारा ये कॉर्नर फिल हो जाएगा तो हम एक मोती इसमें डाल लेंगे सिर्फ, और फिर ये नीचे वाले धागे को हमें ले लेना है कि हमारा ये धागा देखिए नीचे है, फिर ये ऊपर, फिर हमारा ये धागा नीचे रहेगा। इस तरह से हो गया और यहाँ फिर नीचे यहाँ पे कोई कॉर्नर नहीं है, ये धागा के ऊपर है, इसे हम ऊपर ले लेंगे, फिर यहाँ नीचे, फिर ये कॉर्नर धागा धागा हमें फिल करते वक्त ढीला ही लेना है जिससे डिजाइन खुल के आएगी। फिर नीचे वाला ऊपर, फिर नीचे ले लेना है हमें इसे, ये कॉर्नर वाला धागा फिर से में लेना है। देख रहे हैं ये दोनों कॉर्नर फिल हो गए। अब ये धागा, ये कॉर्नर मेरा फिल हो जाएगा इस धागे से, तो नीचे से लेंगे हम, नीचे से धागा ले लिया और एक धागा ऊपर, और इसके बाद हमें एक मोती और डाल लेनी है इसमें, और ये धागा बीच वाला इसे से इसको ले लेना है। इस तरह से हो गया। फिर यहाँ नीचे कोई कॉर्नर नहीं है, यहाँ पे ये धागा ऊपर जाएगा और यहाँ नीचे, और ये कॉर्नर का धागा ले लेना है हमें फिर वैसे ही। नीचे यहाँ भी धागा नीचे वाला लेना है, इस तरह से लेंगे इसे नीचे से। ये कॉर्नर धागा लेना है फिर वैसे ही। फिर नीचे लेना है हमें, देख रहे हैं तीनों कॉर्नर से हो गया। ये मेरा ये कॉर्नर फिट हो जाएगा, एक मोती हमें और लेनी है यहाँ पे। मोती ले लिया हमने और ये धागा हम नीचे से ले लेंगे। धागा नीचे से ले लिया, अब ये धागा ऊपर रहेगा। देख रहे हैं ये धागा मेरा ऊपर रहेगा। अब ये धागा
नीचे रहेगा। यहाँ हम एक मोती और यूज़ कर सकते हैं, धागा ऊपर जाएगा फिर ये नीचे धागा जाएगा। एक मोती हमें और यहाँ डालना है। इस तरह से ये हो गया। फिर हमें नीचे लेना है ऐसे, धागा ऊपर रहेगा हमारा ये ऐसे, और ये नीचे से ले लेना है। सेम वैसे यहाँ भी नीचे लेना है। एक मोती यहाँ पे डाल लेनी है क्योंकि ये फिल हो जाएगा पूरा। मोती ले लिया हमने और ये धागा नीचे से ले लेंगे। धागा नीचे से ले लिया, अब ये धागा ऊपर रहेगा। देख रहे हैं ये धागा मेरा ऊपर रहेगा, अब ये धागा नीचे रहेगा। यहाँ हम एक मोती और यूज़ कर सकते हैं, धागा ऊपर जाएगा फिर ये नीचे धागा जाएगा। एक मोती हमें और यहाँ डालना है। इस तरह से ये हो गया। फिर हमें नीचे लेना है ऐसे, धागा ऊपर रहेगा हमारा ये ऐसे, और ये नीचे से ले लेना है। सेम वैसे यहाँ भी नीचे लेना है। एक मोती यहाँ पे डाल लेनी है क्योंकि ये फिल हो जाएगा पूरा। अब ये धागा में नीचे से ले लेना है। इस तरह से ये फिल हो गया। इसके नीचे हमें लेना है। अब यहाँ ऊपर फिर ये नीचे कॉर्नर का धागा नहीं लेना है हमें, फिर वैसे ही फिर यहाँ ये नीचे। यहाँ ये धागा हमारा ऊपर रहेगा और यहाँ पे नीचे। ये धागा नीचे से आया है, अब ये धागा फिर ऊपर रहेगा हमारा, फिर यहाँ नीचे। कॉर्नर का धागा फिर ले लेना है हमें इस तरह से नीचे। इस तरह से ले लेना है। फिर ये कॉर्नर का धागा फिर यहाँ नीचे से लेना है हमें। इसमें एक मोती फिर हमें ऐड करना है। ये धागा नीचे से फिर लेना है। मोती डालने के बाद से हमें धागा ले लेना है। इस तरह से फिर ये धागा नीचे से रहेगा, ये धागा ऊपर, फिर ये धागा नीचे यहाँ पे। कॉर्नर का धागा ले लेना है फिर से। नीचे कॉर्नर से हमें ले लेना है। इसके नीचे
धागा हमारा ऊपर रहेगा, फिर इसके नीचे दोनों कॉर्नर मेरे कंप्लीट हो गए हैं। इसे हमें डालना है, नीचे से ले लेंगे। एक मोती हमें यहाँ पे ले लेना है और इसके नीचे वाला धागा इस तरह से ले लेंगे। इसके नीचे अब यहाँ पे कोई कॉर्नर नहीं है, फिर हमें यहाँ पे इसके ऊपर जा करके ये धागा नीचे से ले लेना है। कॉर्नर का धागा फिर नीचे से ले लेना है, यहाँ कॉर्नर का धागा फिर नीचे से ले लेना है। ठीक वैसे ही नीचे वाला धागा लेना है हमें। ये पूरा हो जाएगा तो हमें नीचे से ले लेना है इसको। ऐसे देख रहे हैं क्या, हमें एक मोती डालनी है। मोती हम यहाँ से ले लेंगे, उसके बाद हमें नीचे वाला एक धागा ये ऊपर जाएगा, फिर ये धागा नीचे से लेना है हमें। फिर धागा नीचे से धागा नीचे से ले लेंगे हम यहाँ से। फिर ये धागा नीचे ये धागा हम नीचे से ले लेंगे। इसके नीचे हमें लेना है, यहाँ एक मोती हम ऐड करेंगे, ये पूरा होने वाला है। नीचे वाला धागा हमें ले लेना है, ये नीचे था ये ऊपर रहेगा, अभी ये नीचे यहाँ से ले लेना है हमें इस तरह से। फिर यहाँ पे ये ऊपर रहेगा, फिर यहाँ नीचे लेना है हमें, और ये कॉर्नर का धागा हमें ले लेना है इस तरह से। यहाँ फिर नीचे ये ऊपर रहेगा, फिर यहाँ हमें नीचे लेना है, सेम ये फिर ऊपर रहेगा, फिर यहाँ नीचे, और इस कॉर्नर धागे को हमें ले लेना है। इसी तरह धागे को ध्यान देते हुए पूरा हमें फिल कर लेना है। ये धागा ऊपर रहेगा और यहाँ नीचे से ले लेना है हमें। यहाँ कॉर्नर से धागा लेना है, ये नीचे, यहाँ से लेना है, फिर ये नीचे, यहाँ भी नीचे से धागा ले लेना है, यहाँ फिर नीचे से, देख रहे हैं मेरे तीनों कॉर्नर कंप्लीट होने वाले हैं। मैं इसको लेने से पहले एक मोती यहाँ से ऐड करूँगी, फिर ये बीच का धागा मैं ले लूँगी। यहाँ नीचे से लेना है हमें, यहाँ भी ये कंप्लीट होने वाला है, यहाँ हमें एक मोती ले लेनी है और फिर ये धागा नीचे से हमें लेना है।
फिर ये धागा नीचे से यहाँ पे, ये धागा हमें ले लेना है बाएं साइड का। ये भी मेरा कंप्लीट होने वाला है तो मैं नीचे से ले लेंगे और हम एक मोती और ले लेंगे। इसके बाद हम ये बीच वाला धागा ले लेंगे ठीक वैसे ही, धागे को नीचे से ले लेंगे। ये डिजाइन हमारी कंप्लीट हो गई, नीचे से हमें इसे ले लेना है। फ्रेंड्स जिस तरह से मैंने बताया है सेम उसी प्रोसेस से आपको बनाना है, बहुत ही इजीली ये बन जाएगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा और मेरी वीडियो के लिए लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे मेरी आगे आने वाली वीडियो आपको इजीली मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।